Hey guys, welcome to my channel Mom Talks India। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ पर्सनल चीज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मीन्स अबाउट द किड्स, नथिंग एल्स, ओनली फॉर द किड्स। मोस्टली एक प्रॉब्लम जो हम सब माए फेस करते हैं, यही प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। तो सोचा आज ऐसे बैठे क्या बात करूँ आप लोगों के साथ, तो सोचा क्यों ना मेरा जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि अगर आप लोग न्यू मॉम्स हैं या ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे तो शायद आपको थोड़ा भी सोल्यूशन मिल सके। तो गाइस, ज़्यादा बकबक ना करके मैं ये शुरू कर देती हूँ। तो मेन जो टॉपिक है वो बच्चे का खाना। यस फ्रेंड्स, हम दिन भर मॉम्स पूरा सुबह से रात तक बच्चा जब तक ना सो जाए तब तक हम लोग सिर्फ एक ही टेंशन होते हैं कि कैसे उसको खिलाया जाए, उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन कैसे मिले और क्या खाने से अच्छा रहेगा क्या नहीं खाने से अच्छा रहेगा, ये तो रहता ही रहता है। और कौन सा खाना उसको पसंद है या ना पसंद है, ये सब चीज़ पूरे क्वेश्चन के बीच में हम लोग फंसे रह जाते हैं। बच्चे को खाना भी अच्छे से नहीं खिला पाते और बच्चे खाते भी नहीं हैं, तो इसका भी एक कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर होगा। तो जो मैंने सोल्यूशन मिला है, जो आंसर मुझे इस क्वेश्चन का मिला है, वही आपके साथ बोल रही हूँ। गाइस, मैंने भी बहुत से यूट्यूब में सर्च किया है, गूगल में सर्च किया है, जैसे आप लोग भी सर्च करते हैं कि बच्चे को कैसे खाना खिलाया जाए, बच्चे को क्या किया जाए ताकि वो अच्छे से कंप्लीट लंच डिनर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करे। तो एटलीस्ट लंच डिनर ब्रेकफास्ट कंप्लीट खा ले तो एटलीस्ट कंप्लीट न्यूट्रिशन तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो यही हम लोग का मेन फोकस रहता है। तो गाइस, मेरा रूही के साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था स्टार्टिंग में, जब उसका सेमी सॉलिड से जब सॉलिड में उसका ट्रांसफर होने वाला था, उस टाइम में उसका जो खाने का जो चीज़ था, मतलब जब थोड़ा थोड़ा सॉलिड वो खा रही थी, कंप्लीट खाना स्टार्ट हो गया उसका, वो ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर स्किप हो जाता था, खाते नहीं थे, कंप्लीट नहीं खाते थे, मोस्टली 5% 10% ऐसा ही होता था। आई वॉज रियली वर्डिड, शायद आप लोग का भी ऐसा ही होता है। मोस्टली मुझे तो लगता है इंडिया में मोस्टली 90% ऐसे ही पेरेंट्स सफरिंग फ्रॉम सेम प्रॉब्लम कि बच्चे खाना नहीं खा रहे, हम लोग क्या करें, कैसे उसका सोल्यूशन। इसीलिए सब कुछ, जैसे हम लोग भी सिर्फ खा के बिस्तर में रहेंगे तो ना हम लोग का खाना हजम होगा, या हम लोग को किसी को खाना खिलाने के बाद हम लोग को पसंदीदा कोई चीज़ सामने आके दे दे वो भी हम लोग खा नहीं पाएंगे। तो सेम टू सेम बच्चे के होते, बच्चे एंड बिग, नॉट अ ग्रेट डिफरेंस, जस्ट सिर्फ हाइट एंड वेट का डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं। सो इसीलिए हम लोग को सेम उन लोगों का भी, जैसे हम लोग का एक गैप देते हैं स्नैक्स लंच बीच में, क्योंकि हम लोग काम में रहते हैं इसलिए आधे आधे घंटे में नहीं खाते हैं, और बच्चे लोगों को हम थोड़े थोड़े खिलाते रहते हैं तो उसका भूख नहीं लगता, इसलिए हम लोग उसका सोल्यूशन निकाले। सो गाइस, मेरा भी ऐसा ही था, मैं भी बहुत सर्च किया था क्या मिले, तो मुझे फर्स्ट एक सोल्यूशन मिला है, ऑब्जर्व कि बच्चे को क्या पसंद है वही खाना उसको सर्व किया जाए। स्टार्टिंग में जब खाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग फोर्सफुली तो खिला नहीं सकते सब कुछ, तो उसी सब खाने में उसको हम लोग फोकस करना चाहिए क्या खाना है। चॉकलेट और चीज़ छोड़ के, ये तो सब बच्चे के लिए पसंदीदा है ही, वो सब छोड़ के। तो गाइस, मैं ये भी ट्राई किया था, तो कभी कभी क्या होता था, जो पसंदीदा चीज़ मैं उसको सर्व करता था, कभी कभी तो पूरा खा लेती थी, शी वॉन्ट्स टू ईट मोर देन, मैं फिर सर्व करती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि शी जस्ट रिजेक्ट, तो मुझे पता नहीं, जब एक दिन खाती थी दो दिन नहीं खाती थी उसका पसंद होने से भी। तो मैंने सोचा ये तो That is not the great solution, पर ये नहीं है, जो बोले हैं सही बोले हैं। बहुत से बच्चे होते हैं फेवरेट चीज़ होने से भी खा लेते हैं, पर उसके पीछे भी और एक जो यूनिक पॉइंट है वो भी ऐड करना पड़ता है, तभी ऐसा होता है। क्या है यूनिक पॉइंट मैं बताती हूँ, सॉरी। सो गाइज, नेक्स्ट मुझे मिला है नंबर 2 वाला पॉइंट, कि बेबी का खाने के पहले एटलीस्ट थ्री आवर्स तो उसको बिना कुछ दे के खाली पेट रखना चाहिए, तभी जाके उसको खाने में इंटरेस्ट आएगा और वो भूख लगेगी तो फटक से खा लेगा एंड विल कंप्लीट द कंप्लीट डिश।
तो ये सेकेंड पॉइंट जो है मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मुझे ये टोटली फेल्योर वाला एक सोल्यूशन लगा, क्योंकि मुझे सक्सेस ही नहीं मिल रहा था। मैं उसको खाली गैप रख रही थी, पर वो नहीं खा रही थी। उल्टा घर से सब डांट रही थी, इतना टाइम बच्चे को नहीं खिलाएगी, इतना खिलाएगी तो कैसे होगा, बच्चों को वीकनेस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा बोल रही थी। तो मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया फुल डे। माई हस्बैंड ऑल्सो समटाइम सेड मी से हुच आई हैव ऑब्जर्व कि रूही जो है ना वो थोड़े थोड़े देर में कुछ ना कुछ खा रही है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स कुछ ना कुछ, मैं भी कभी कभी ये थोड़ा खा लो, ये थोड़ा खा लो, थोड़ा ही है, ऐसा करके दे दे के ना उसका पेट जो है, पेट ही छोटा है, हम लोग सोचते हैं उसको भूख लगे तो थोड़ा 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 करके खाती है, तो वो हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था ब्रेकफास्ट एंड लंच का एक ह्यूज डिस्टेंस होना चाहिए है, तो वो एंड बीच में जो स्नैक्स उसके बीच का जो है वो हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते थे। पर कोई ना कोई इसका ग्रैंड मॉम्स ग्रैंड फादर कोई ना कुछ देती थी, जब वो लोग कुछ खाते थे भूख वो लगती लगती है। तो सेम ट्रिक्स आप लोग अप्लाई करके देखिए, स्टार्टिंग में आप लोग को प्रॉब्लम होगी, पर धीरे धीरे जब हैबिचुअल हो जाएंगे देन यू विल गेट द ग्रेट रिजल्ट। तब आप भी बोल सकेंगे यस दैट वर्क। शायद आप लोग भी ट्राई करें पर हो नहीं पा रहे, आप कुछ ना कुछ मिस जरूर हो रहे हैं, इसीलिए ट्राई कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड यू विल रियली गेट फ्री। तो बच्चे को इजीली खाना खिला सके, जल्दी जल्दी खा भी लेंगे बच्चे एंड खाना भी कंप्लीट करेंगे एंड हाइट वेट भी मेंटेन रहेगा। सो आप लोग ये सॉल्यूशन आप लोग मतलब आप लोगों की लाइफ में आप लोग के बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है रूही को साथ मेरा जैसा हुआ था, मैं भी उसको भी दे दी थी। तो उसका रिजल्ट से क्या होता, उसको थोड़ा जो भूख था वो नहीं होता था, क्योंकि थोड़े थोड़े बाद में सेम उसको मिल रहा था, मेरे ऑब्जर्वेशन में नहीं मिल रहा था पर एक्चुअली उसको मिल रहा था, इसीलिए मुझे रिजल्ट में फेलियर नजर आया। बाद में ये जब मुझे पता चल चुका है देन आई कम्प्लीटली टूक द फुल खाने का जो है मैंने कम्प्लीट रेस्ट्रिक्ट कर दिया, घर में कोई उसको कुछ मत खिला विदाउट मतलब मुझे बिना बोल के, देन आई कैन रिकॉग्नाइज दैट वो बेबी क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। अकेले होने से तो पता चलता है, पर घर में जब बहुत से लोग होते तो बच्चे भी एक ही होने से सब लोग प्यार करते, थोड़े कुछ ये नहीं तो ये कुछ देते रहते हैं, तो ये नहीं हो पाता है। आप लोग भी शायद ऐसे ही होंगे क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन में बच्चे को तो सब लोग प्यार करते हैं, सिर्फ इंडिया नहीं सब कंट्री में, मोस्टली इंडिया में तो खाने का तो बहुत शौकीन है इंडिया के लोग, तो कुछ ना कुछ डिनर एंड ब्रेकफास्ट सब सेपरेट कर दिया, एक टाइम फिक्स हो जाता है। एंड जैसे वो बड़े हो चुके हैं तो बीच में थोड़ा लाइट स्नैक्स मैं दे देती थी, बीच बीच में लंच एंड डिनर के बीच में एंड ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में, और इसके बीच में मैं कुछ नहीं देती थी। एंड आई यूज टू से हर टू डू हैवी हैवी प्ले मीन्स रनिंग एंड टू मूव हियर एंड देयर, के घर में इतना जगह भी नहीं है तो इधर इधर कुछ रन करके उसकी एक्टिविटी भी मैं फिजिकल एक्टिविटी भी उसको ज़्यादा फोकस करती हूँ कि जाके वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करे। तो ये मैं स्ट्रिक्टली स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है मेंटेन करने में, इसके बाद धीरे धीरे इट्स रियली गिव मी द ग्रेट रिजल्ट एंड फर्स्ट पॉइंट एंड टू पॉइंट टुगेदर कम्प्लीटली हैव द ग्रेट सोल्यूशन टू मी एंड मेरा प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। यस गाइस, उसका फेवरेट चीज़ भी वो कम्प्लीटली खाता था, लंच में दो डिनर में दो या ब्रेकफास्ट या स्नैक्स, एंड लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कंप्लीट होता था गाइस, दैट वाज ऑसम। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं गाइस, पर एक चीज जो है आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा, आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे इसके बीच में पानी तो पीना ही है, उसके बीच में कुछ ना खाए एंड हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो। बच्चे एक जगह में बैठ के खेलेंगे वो तो खेलेंगे थोड़ा टाइम के लिए, फिर स्टार्टिंग में बिलीव नहीं किया था बट इन द एंड आई गेट इट्स रियली वर्क, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस मेरा ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जो रूही के साथ खाने के लिए था, बाकी और भी बहुत कुछ बात है जो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ, पर आज नहीं दूसरे वीडियो में बाकी और कुछ बातें लेके आऊंगी। सो गाइस आज के वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, अगर आपको कुछ सोल्यूशन एंड आप लोगों को ये ट्रिक्स यूजफुल लगा तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कम अगेन टू मॉम टॉक्स इंडिया टू नो मोर अबाउट मॉम्स and babies and my life. So bye.